विकास के छोड़िए ना, हमको बिहार के बाप के जेल में रख लिया जगन्नाथ मिश्रा, उससे ज्यादा घाता घालन था तो उसको बेल लालू जी के जेल। बोर देंगे तेजस्वी यादव को, नीतीश नहीं, नीतीश तो स्कूल को जीरो कर दिया, पढ़ाई तो बिल्कुल खत्म कर दिया, प्रसाद का बनेगा। नीतीश कुमार को तो हम लोग लाना नहीं जाएंगे, और नौजवान लोगों से हम लोग तो भी यही अनुरोध करेंगे कि नए यंग ब्लड हमारे तेजस्वी यादव जी को समर्थक दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अर्चना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का ऐलान हो गया और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भी करवा लिया है और जितने भी प्रत्याशी हैं अब अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र गंगा किनारे कंगन घाट पे, तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि पटना साहिब के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इस बार किसकी सरकार बनती है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से। तो हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और कितना यहाँ विकास हुआ है। उसके बोलना हम बाहर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है मेरे क्षेत्र में जी, पटना सिटी में। पटना सिटी में कितना होगा? बकलोल नहीं है, जरी हिंदी में बोलो। इस बार किसका सरकार चाहते हैं, नीतीश या लालू के लाल? लाल, लालू के लाल। मेरा लाल है, वही ना लाल मानेंगे। क्यों, नीतीश जी के समय में कार्य नहीं अच्छी हुई है? हमें तो लगता है कि लालू जी संस्था करे हुए थे। मतलब कि नीतीश जी के समय नहीं अच्छा है? नीतीश जी के तो है ये है, अब तो मोदी लाल जो बना दिया है तो हम लोग को तो विरोध पेंसिल भी नहीं बन रहा। मतलब कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, विकास विकास हुआ है, सड़क वरक ये सब बनी है, नल जल योजना के नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो बना बन रहा ना, उन्हें बना है, हम लोग जब पहले का बना ले बना अभी तो सब साफ है। सरकार को बदलने का मन है? अब देखो जो चलाएगा, नीतीश चलाता है कि मोदी चलाता है, अपना अपना नेतागिरी तो सब कर रहा है। लालू जी कहते हैं कि अरे हम फेन फोन फेन उठाते उठाते अब फोन उठावे लगली, लालू जी बोलते बोलते हैं ना। अब मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते बेचते इतना सरकार बने, तो किसका बात क्या लगता है कि गरीबों की सरकार कौन थी पहले? आप लोग के हित के सबसे ज्यादा कौन सोचने वाली है? अब तो मोदी जी ना किए हैं इतना करौला में, करौना में, करौना में तो मोदी जी कुछ भी बांटी देवे किए, और पैसा जो भेजाना था भेजे अकाउंट में, अकाउंट में 1,000 3,000 जो बोले थे ना ना, 500 रुपया, मतलब कि कुछ आया पैसा 3 महीने बस। अच्छा, आओ के बाद कुछ नहीं, ये काहे को वृद्धा पेंसिल बनावे ला कर रहे हैं। जब नेता आता है, नेता कहता है कि अरे हम बहुत बड़का नेता हैं, बोला है ना, जब जरूरत आवे तो बहना आई है माला पहन के गरीब, और जब काम खत्म हो जाता है कहे कि ए बाबू जरी हमारे वो काम, जाओ जाओ जाओ। यहाँ के MLA विधायक जी कौन है पता है? विधायक के कहाँ के? पटना साहिब के विधायक, पटना साहिब के यही ना है नीतीश कुमार ना, नंदकिशोर यादव जी हैं। हाँ, नंदकिशोर यादव। लॉकडाउन हुआ था तो आते थे कभी? हाँ मैं वो मदद उदद करने कुछ देने उन्हें नहीं, 6 महीना हम लड़ रहे हैं रैली में नंदकिशोर जी के, मम ससुर हैं, तो सहयोग मिला नहीं कुछ नहीं, सब कहता है कि सोना के झुमका मिलेगा और वो राज लंगरा हो गए पहन लेना जी। हाँ चनवा वही ना, हाँ तो सब मजाक रहे न महीने की। आए चाची सुनो, मेरे कुछ मेरा बात सुनो, कहता था ना ये चाची सुनो ना ये चाची जे जाऊं उन करे नंदकिशोर यादव के झुमका, हम कली तब सोना के झुमका कहाँ से लटके ने। अच्छा, नंदकिशोर जी न जीते तो बनाए, और जब काम करावे कहता है कि हम बहुत बड़का नेता हैं, अरे नेता जब जरूरत आवे तो गरीबे के लालू के लाल हाँ गोर लगी लुआ घरे घरे प्रणाम करे। नाम बता दीजिए।
लाली देवी मेरा नाम है। धन्यवाद। मेरा पूरा पर्चे में है लाली देवी। आप बताइए कितनी संतुष्ट है यहाँ के सरकार से? हम मेरे ना कोई पता है, जब तक ले जब अथी कौची बोले है मेरा विधवा पेंशन ना बनेगा, राशन कार्ड ना बनेगा, ना हम वोट देंगे ना कुछ भी ना करेंगे। वोट नहीं देना है ना, इन साल वोटो ना देंगे हम। मेरे 7 साल हो गया मेरा आदमी के गुजरला, हम ब्लॉक तक जाके घूर आए हैं पेंशन लगी, मगर मेरा विधवा पेंशन नहीं बना है नहीं देंगे। और राशन कार्ड भी कितना बार फॉर्म भरे मेरे पास ना होते, सबके पास हो जाता है मेरे ना पास होता है। मेरे चूल्हा वाला हुआ कि चूल्हा मिलेगा उसका भी फॉर्म भरे, उसका भी नहीं हुआ। जमीन के फार्म भरे उसका भी ना हुआ, बनले के बना रहा है सरकार। कई तो काफी नाखुश है, तो हाँ। बदलने की नहीं सोच रही है, सीधे वोट ही नहीं देने के अपने अधिकार। हाँ। मत होता है जो बहुत अधिकार होता है तो नहीं, वोट पड़ता है तो गौर पर रहता है बहनी, गौर पर रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, इस पर वोट दीजिएगा उस पर वोट दीजिएगा, जब जरूरत निकल गया तो चलो खिस्सा खत्म है, कुछ नाराजगी है। हाँ हम एकदम नाराज है। मेरा और मीला देवी नाम है। यहाँ पे और लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं किसकी सरकार, नीतीश या लालू के लाल तेजस्वी। हम तो लगता है कि राष्ट्रपति ही शासन रह जाए जो सब दिन ठीक रहे। राष्ट्रपति शासन? हाँ। क्यों इतने नाखुश? हाँ इतने नाखुश कि इसलिए कि सरकार का कोई नजर नहीं है किसी पर। तो इस जो कोरोना पीरियड में सब देखिए, कोरोना पीरियड में अधिकतर गरीबों लोग को मार हो गया, हर चीज से मार हो गया, मतलब कि इस बार राष्ट्रपति शासन आप सोच रहे हैं। हाँ, इससे अच्छा है कि और कुछ नहीं है, कोई नेता गण नहीं है, दोनों नहीं बेहतर है? नहीं। नाम बता दीजिए। नाम हमारा सुनील ठाकुर है। किसकी सरकार बनेगी, नीतीश या लालू के लाल? अरे हम किसको बताएं, सब तो उसने है। तो आपका विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ हुआ है, हम लोग के राशन कार्ड सब बना हुआ, बाकी मिलता नहीं है। सड़क नली गली ये सब बढ़िया? सब कुछ नहीं है, हम लोग के घर द्वार नहीं, हम तो बाहर के रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब कि वोट किसको दीजिएगा? वोट तो हमको देगा जो भलाई करे उसी को वोट देंगे। कुछ सोचे होंगे ना कि अभी नहीं अच्छा हो रहा है या पहले अच्छा हो रहा था? सब हम तो करते हैं बेलदारी बालू सीमेंट वाला काम राजमिस्त्री। लॉकडाउन में हम लोग कमाते थे तो खाते थे, नहीं तो भूखे रहते थे। सरकार उतर कभी कुछ मदद? कुछ नहीं मदद किया सरकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया, लिखल पैसा तो देव नहीं करता है। तो मतलब कि इस बार वोट किसी को नहीं देने के? नहीं, हमको तो विचार है नहीं किसी को देने के। अच्छा, नाम बता दीजिए। वाल्मीकि नाम है। क्या लगता है विकास हुआ है? विकास तो मैं आपके सामने झलक रहा है, जो भी विकास है अभी हमारे सामने है। 2013 में इंटर करके और उसके बाद ग्रेजुएशन करके आज भी कंगन घाट पे हम लोग घूम रहे हैं। मुद्दा है रोजगार जी। मैम रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हम लोग वैसे ही घूम रहे हैं। क्या लगता है इस बार नीतीश? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार को तो हम लोग लाना नहीं जाएंगे, और नौजवान लोगों से हम लोग तो भी यही अनुरोध करेंगे कि नए यंग ब्लड हमारे तेजस्वी यादव जी को समर्थक दिया जाए और उन्हें भारी मतों से दिलाया जाए वोट। दूसरा मुद्दा मैम हम लोग का है, यहाँ पे सड़क पानी ये आम बात, ये कॉमन चीज़ हमारे नज़र से, ठीक है। रोजगार रहेगा तभी घर चलेगा, अभी हमारे पास रोजगार नहीं है, हम लोग कंगन घाट में घूम रहे हैं, टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये हमारा पूरा साल बर्बाद हो रहा है और इससे हमारी घर पे भी इनकम का स्रोत मिल तो नहीं पा रहा है। दूसरा चीज़ है मैम हमारे पास ये मुद्दा है कि आप जो बोल रहे थे कि राशन कार्ड वितरण लॉकडाउन में बहुत सारा कमिटमेंट था हमारे वार्ड पार्षद जी का कि हमारे तरफ से आपको सपोर्ट किया जाएगा, तो मैम सपोर्ट के नाम पे हमें क्या हुआ, 4 लोग 5 लोगों का सदस्य का नाम दिया गया, नामांकन किया गया हमारे राशन कार्ड में, मिला बस 2 आदमी का नाम, तो बाकी लोग भूखे नहीं रह सकते हैं, उसके लिए कुछ निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। आपकी तरफ कोई मतलब सहयोग नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं है मैम, हमारी जनता भी है यहाँ पे भी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो हमें कोई सपोर्ट नहीं है मैम, बिल्कुल सपोर्ट नहीं। नीतीश जी ऐसा बना दिए हैं कि खुद कमाइए खुद खाइए। लॉकडाउन पीरियड में जैसे कि एक नया चेहरा उभर के आया, मतलब कि नया नहीं, वो हमेशा कहा जाता है कि पप्पू यादव जी जो गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं, चाहे बाढ़ हो सुखाड़ हो कोरोना पीरियड हो, वो लोगों के बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं, और कई बार उनको अब ये भी आया वीडियो की 500 रुपए दे रहे हैं। जी जी, माननीय पप्पू की वो माननीय पप्पू यादव जी को बहुत बहुत नमस्कार, जिन्होंने लॉकडाउन में मजदूरों का सबसे ज्यादा हेल्प किया,
दूसरा मुद्दा है मैम कि वो मजदूर का अगर हेल्प किए तो लोकल जो लोकल हमारे नेता विधायक हुए उनका सबसे बड़ा नेतृत्व होना चाहिए कि हमारे लोकल जो भी पब्लिक हुए उनको सपोर्ट। अगर पप्पू यादव सारा समर्थक हमारा कर रहे हैं, अगर मजदूर को वो वापस ला रहे हैं, तो यहाँ के लोकल जो भी विधायक है वो कुछ नहीं किए हैं। पप्पू यादव से अगर आप तुलना कर रही हैं तो पप्पू यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, जो लोकल मजदूर लोगों को एक दूसरे जगह से कनेक्ट करके यहाँ पे पहुँचाया। नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार बस एक ही चीज़ बोले कि मजदूर आएगा कोरोना आएगा। ये हमारा मुद्दा नहीं है मैम। अगर मजदूर हमारे बिहार का यहाँ से अगर दूसरी बस्ती में जा रहा है तो उसके लिए आपको पॉइंट करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ से लोग क्यों जा रहे हैं। आप रोजगार लाइए, हमारे लिए फैक्ट्री बैठाइए। नौजवान लोग आज क्राइम क्यों सिटी में बढ़ रहा है, इसके लिए भी नंदकिशोर यादव, माननीय नंदकिशोर यादव जी को ध्यान देना पड़ेगा, माननीय नीतीश कुमार जी को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैम हमारा जो बहुमत होगा वो हमारे तेजस्वी यादव जी का बहुमत रहेगा, टोटली सपोर्ट है हम लोगों का, क्योंकि उनका कमिटमेंट है कि पहले हस्ताक्षर से वो 10 लाख वोट ये नौजवान लोगों को नौकरी देने की वादा कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल एकदम बिल्कुल है। आप आम जनता से भी आप एक बार देख पूछ के देख लीजिए। मेरा नाम सूरज यादव हुआ जी, धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं विकास है? विकास के छोड़िए ना, हमको बिहार के बाप के जेल में रख ले है जगन्नाथ मिश्रा, उससे ज्यादा घाता घालन था तो उसको बेल लालू जी के जेल जी। तो मतलब क्या काफी आहत हैं? हाँ, हम तो किसी हालत में नहीं। तो किसको वोट देंगे? वोट देंगे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी मतलब की प्रमोट बना ली? हाँ, जहाँ समस्या क्या रहेगा? समस्या तो है कि गरीब सब मर रहा है, कोई रोजगार जाता है करे तो प्रशासन धर के पैसा ले लेता है, डर से ना हम ट्रैक्टर निकालते हैं ना कुछ, क्या चीज से हम कमाए या खाए। मतलब कि प्रशासन के एकदम दिए हुए छूट। अच्छा, लालू जी जेल हैं तो बहुत मतलब कि आप लोग को लालू जी के चलते तो अब लड़का छोटा छोटा जो है से पढ़े बिना अजुर्दा है, जाता है स्कूल में गए हैं तो हमको कहता है कि जितना दिन लॉकडाउन रहा तो 30,000 रुपया दीजिए दो गो लड़का के तब एडमिशन फेन से होगा। है हमको उतना पैसा है कि फिर 30,000 दे के पढ़ावेंगे? तो स्कूल भी तो इतना बना है, सड़क, फिर नल जल योजना उनकी चल रही है, पुल बन रहे हैं। अरे सड़क पर क्या आदमी ना रहेगा तो कुत्ते ना मरेगा घूमेगा सड़क सड़क। नीतीश जी कह रहे हैं कि शिक्षा की भी काफी अच्छी व्यवस्था करवाई है। कुछ ना शिक्षा वाला के तो लेके क्या डूब गई थी हमारी, उन्हीं के बनाए है कानून कि बालू पर साल डीएम के अथी के सब के आदेश दे के सब लेबर मजदूर के नाव धरवा लिए। आज हमारी इलेक्शन है आयल तो बालू कट रहा है, कोई धरगर नहीं है उन्हीं के, मतलब काफी नाराजगी है। ना नाराज तो पूरे हैं, हम तो भाई ऐसू नाराज थे, हमको एक के मुद्दा है कि हमको बिहार का बाप का जेल में रखे हुए है, हम इससे वोट नहीं देंगे। परिवर्तन चाहिए? हाँ परिवर्तन चाहिए, माने नीतीश जी कोई कोई सूरत से हट जाए, ऊपर में नरेंद्र मोदी या नीचे नीतीश जी एगो और सुशील मोदी। अच्छा एक युवा की बात हो रही है तो अभी एलजेपी भी अलग हो चुके हैं अलग थलग और चिराग पासवान भी निकल के आ रहे हैं, तो उनपे कितना आपको यकीन है? चिराग पासवान के छोड़िए ना, वो तो कुछ न है, कुछ न है, तेजस्वी के अंग कुछ नहीं है। चिराग पासवान विलास पासवान रहे तो दो चार गो सीटों लाबत रहिए, ओकरा कहाँ से सीट हो जाता मतलब चिराग पास पे आपको जरा सा भी है? कुछ ना कुछ ना। नाम बता दीजिए। नाम बिंदा राय है। अभी और भी हैं कुछ हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए। हम लोग नीतीश सरकार या तेजस्वी किसकी सरकार बनेगी? नहीं, हम लोग इस बार सत्ता बदलने के चक्कर में है, नीतीश को हटाना चाहते हैं, थोड़ा शिक्षा व्यवस्था के सुधार उधार लाए शिक्षा में। क्षेत्र के विधायक कौन है? हमारा क्षेत्र हमारा जिला सीतामढ़ी पड़ता है, दिनकर राम है मेरा। यहाँ पे आप मतलब कि क्या करते हैं? यहाँ पर आए खरीदारी करने कपड़े की। मतलब कि सर मुख्यमंत्री आपको चेंज करना है? हाँ इस बार हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चेंज हो। हमारे तरफ तो विकास हुआ है मैडम, सड़क व्यवस्था में सुधार हुआ है, बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है। हम लोग तो इस बार तेजस्वी के पक्ष में हैं। तेजस्वी के पक्ष में? नाम बता दीजिए। जितेंद्र शाह सीतामढ़ी। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो अधिकतर अभी काफी नाखुश है नीतीश
सरकार से, और सभी कोई कहीं ना कहीं इतने व्यथित हैं और सभी के जुबान पे बस एक ही नाम आ रहा है, तेजस्वी यादव लालू के लाल। तो आइए आगे चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि उनको इस बार क्या चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए, क्या लगता है विकास हुआ? विकास तो हो गया, विकास हुआ है हा? तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? इस बार तो आ रहे हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी हा? तो विकास हुआ है फिर तेजस्वी जी हा? वो नल पानी लाइट सब कुछ का विकास के दे रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि काम का थोड़ा सा दिक्कत है। और क्या काम का दिक्कत है हा? मतलब इस बार बदलना है? हाँ इस बार तो बदलना है। मतलब लालू का लाल पूरा कैंप चढ़ गया? पूरा कैंप चढ़ गया उसका। तो नाम बता दीजिए। अजय कुमार यादव। तो देख सकते हैं कि अभी जो पटना साहिब क्षेत्र के कंगन घाट पे हम हैं, गंगा के किनारे हैं, और अधिकतर लोगों के जुबान पे सिर्फ तेजस्वी यादव है। काफी नाराजगी है नीतीश सरकार से, काफी व्यथित है। इस कोरोना काल में लॉकडाउन में उन्हें काफी ही असुविधा हुई है, काफी दिक्कतों का सामना हुआ करना पड़ा है। सिर्फ सड़कें और नल जल से लोगों का विकास नहीं हो सकता है, लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि रोजगार और बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में जो नहीं बदलाव हुआ है उससे लोग काफी व्यथित हैं। तो आइए चलते हैं, और भी कुछ है उन लोग हैं यहाँ पे, तो उनसे जानते हैं कि इस बार किसकी बनेगी सरकार, क्या लगता है? नीतीश तो स्कूल को जीरो कर दिया, पढ़ाई तो बिल्कुल खत्म कर दिया। तो किसकी सरकार और लालू प्रसाद का बनेगा? मतलब कि लालू के लाल। हाँ इस बार उन्हीं को। हाँ उन्हीं का एकदम झंडा ऊंचा रहेगा, उसी को वोट देंगे हम लोग। पप्पू यादव भी लाइन में है लेकिन नीतीश को पहले इसको लाना है, पहले लालू यादव को लाना है। तेजस्वी को? हाँ तेजस्वी को। हाँ पूरा मूड है उसी को एकदम लाना। नीतीश जी काम नहीं किए हैं? काम किया गया, रोड बना दिया, बस पढ़ाई के मामले में जीरो। बच्चे कॉन्वेंट भेजते हैं तो पढ़ता है, नहीं तो नहीं। बोलते हैं कि लॉकडाउन में भी हम ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाए। कुछ नहीं ऑनलाइन, हमारे पास पैसा नहीं, हम मोबाइल बच्चे को कहाँ से देंगे, लेके कहाँ से देंगे हम? बोलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था काफी है। शिक्षा व्यवस्था है जब हमारे पास पैसा नहीं है, हम मोबाइल उसको कहाँ से देंगे, वो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ेगा? इस लॉकडाउन में आप लोग को पैसा उठाया? वही 500 रुपए बस, महिला को खाते में 500 रुपए। आप लोग को नहीं, हम लोग कुछ नहीं आया है, काफी नाराजगी है। हाँ हम लोग तो नाराज हैं उससे, सिर्फ रोड के मामले में, बस रोड बना दिया बस हो गया। इस बार चेंज करने के? हाँ चेंज करना है सरकार। नाम बता दीजिए। वसीक। क्या लगता है विकास हुआ है? नहीं विकास नहीं हुआ। तो किसकी सरकार बनेगी? अभी बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगा। मतलब किसकी? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश जी में क्या खराबी है? नीतीश जी में खाली रोड का ही काम हो रहा है, बेरोजगार हम लोग हैं, ऐसा ही भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि हमारे टाइम बहुत रोजगार हो रहा है। कहाँ रोजगार है कुछ बताइए, का दो आप ही लोग देखिए कि कहाँ पर रोजगार है। नल जल योजना, सड़क नली, कुछ रोजगार नहीं है। हम लोग खाली लड़का लोग ऐसी भटक रहे हैं, काम के तलाश में मिल नहीं रहा है काम। बदलना है? हाँ अभी तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाना है, अवधेश यादव। क्या लगता है विकास हुआ है यहाँ? ये सब मामले में हम लोग तो नए अभी बोर्डिंग में आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अब कौन बनेंगे, तेजस्वी या फिर नीतीश? तेजस्वी। क्यों, नीतीश जी में क्या खराबी लगी? नीतीश जी में एक ही खराबी है कि गरीबों का देख नहीं पाता है, अमीरों को देखता है, प्रशासन को देखता है। तो वो बोलते हैं कि हम गरीबी को सबसे पहले, गरीब लोग पे काफ़ी ध्यान देते हैं, उन लोग के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। वो उनको कहने से तो बहुत लोग, उसका कहने वाला पारिवारिक ही लोग होगा, गरीब के बिहार के लोग थोड़ी नहीं होगा। अच्छा पप्पू यादव के बारे में क्या विचार है? पप्पू यादव का उसको सामने वो सब जीरो है, तेजस्वी के सामने। मतलब तेजस्वी के सामने जीरो है? हाँ मतलब कोई उनके मुकाबला नहीं है नहीं। मतलब कभी आप इस बार भी आ जाएगा एक ही वोट से भी, तब भी देख लीजिएगा इसका कमाल रुचवा कैसा है। उसका बाप से भी दुगना तिगना स्पीड में ये जाता है तेजस्वी। आपको क्या लगता है कि बिहार में सबसे, मतलब कि सबसे छवि वाले नेता कौन है? तेजस्वी है।
नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार यादव। जैसा कि आपने देखा कि अभी कंगन घाट पे हम खड़े थे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ के जनता है उनका इस बार मिजाज बदल चुका है। वो सभी इस बार नीतीश सरकार को हटाने का विचार बना लिया है, और जितने भी युवा हैं या जो भी हैं लोग, वो पूरी तरह से नीतीश सरकार से नाखुश हैं। और इस बार वो उनके जुबान पर बस एक ही नाम आ रहा है, तेजस्वी यादव। फिलहाल यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। 10 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे और 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन बनता है यहाँ का CM। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्भट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा ले, और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्भट न्यूज। नमस्कार।